हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्ण सिंगार विद साक्षी। फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए वेलवेट का फुल स्लीव का ड्रेस बना रहे हैं। ये ड्रेस हम 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे हैं। कपड़े की लंबाई मैंने 36 इंच ले ली है और जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैंने 4.5 इंच ले ली है। मतलब लंबाई मैंने 36 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 4.5 इंच ली है। ये मैं रेड वेलवेट में ड्रेस बना रही हूँ। इसमें ना ही मैं बुकरम ऐड करूँगी और ना ही मैं नीचे लाइनिंग लगाऊंगी। ये हम सिंपल कपड़े से ड्रेस बनाएंगे हल्की ठंडी के लिए। जैसे फिलहाल ठंडी कम हो रही है, वुलन ड्रेसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ नॉर्मल ड्रेसेस से काम चल जा रहा है, तो उसके लिए हम ये ड्रेस बनाएंगे। बट ये मैं फुल स्लीव ड्रेस बनाऊंगी और इसका ब्लाउज मैं इस ड्रेस में अटैच करके बनाऊंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसका ब्लाउज मैंने अलग बनाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप ब्लाउज को अलग बनाना चाहते हैं तो आप उस पैटर्न से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब इसको हम यहाँ से, जो ये नीचे की साइड है, इसको मैं ऊपर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी। इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड करते हुए मेरे पास ये इस पैटर्न में लेस है। ये देखिए, ये रिबन वाली लेस है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरीके से रखकर मैं ये लेस लगा लूँगी ताकि नीचे से बिल्कुल लॉक हो जाए, धागे बाहर ना निकले। तो चलिए हम पूरे में ये लेस लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लेस ऐड कर ली है और नीचे की साइड से देखिए, हमने ये अंदर की साइड फोल्ड किया है तो नीचे की साइड से ये पूरा फिनिशिंग के साथ अच्छा लुक आ रहा है। ये देखिए, अब मुझे इस लेस को थोड़ा सा चौड़ा करना है, तो क्योंकि इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। दूसरी चीज़, मुझे ये जो इसमें गोल्डन दिया गया है, मुझे ये गोल्डन कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका लुक चेंज करने के लिए यहाँ पर, ये मेरे पास एक बहुत ही बारीक सी ग्रीन कलर की लेस है, तो मैं ये इसमें यहाँ पर इसके ऊपर इस तरीके से लगाऊंगी ताकि ये हल्का सा गोल्डन भी दिखाई दे और ये बीच में ग्रीन ग्रीन दिखाई दे, और सेकंड में इसमें लास्ट में ये येलो कलर ऐड करने वाली हूँ। ये देखिए, मैं इसको इस तरीके का एक पैटर्न दूंगी जिससे थोड़ा सा चौड़ाई में लुक भी आएगा और बीच में ये ग्रीन भी ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से रख के सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लेस लगा ली है और लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी टिप्स भी है, जैसे कि अगर आप ड्रेस बनाने के लिए बैठे हैं और आपके पास कोई चौड़ी लेस नहीं है तो आप इस तरीके से बारीक लेस का मिक्स एंड मैच करके चौड़ी लेस बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये काफ़ी चौड़ी लेस बन गई है और लगने के बाद भी बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। ये देखिए, ये बैक साइड है। अब हम ये हमने यहाँ पर लास्ट में डाला है, आउटसाइड में डाला है, अब हम यहाँ पर एक सेंटर में भी डालेंगे। एक मेरे पास ये येलो गोटे की लेस है, तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में डालेंगे एक बार। ये देखिए, ये सेंटर में डालेंगे, फिर इसके बाद हम वापस ये ही बारीक वाला ग्रीन लेंगे और ये यहाँ पर एक बार और डालेंगे। इससे ड्रेस का लुक बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा इससे जब इसमें हम प्लेट्स डालेंगे। तो चलिए हम ये बिल्कुल सेंटर में डाल लेते हैं, दोनों लेस यहाँ पर लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लेस लगा ली है, यहाँ पर बीच में भी लगा ली है सेंटर में, और ये नीचे की साइड भी लग के तैयार हो गई है। अब हमें यहाँ पर साइड में गोटा लेस ऐड करना है। आप चाहें तो बारीक रिबन भी यूज कर सकते हैं, बट मैं ये टिशू लेस बोलते हैं, गोटा लेस बोलते हैं, आप कुछ भी बोल, मतलब आपके यहाँ जैसे भी मिलता है आप वैसे ले सकते हैं। तो ये हम इसमें इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर ये इस तरीके से फोल्ड करते हुए, इसको लॉक करते हुए इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इस पर सिलाई लगा के लगा देंगे। दोनों साइड हमें ये इसी तरीके से लगा लेना है। ये देखिए, हमने ये दोनों साइड लगा ली है। अब हमें ऊपर की साइड कमर 5 इंच रखना है। 5 इंच रखते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से प्लेट्स डालते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये पट्टी हमें यहाँ से क्लियर छोड़ना है इसी तरीके से, और जो प्लेट्स हैं वे हमें पास पास डालना है। ये देखिए, इस तरीके से, और प्लेट जब पूरा डल जाएगा तो यहाँ से जो कमर हमें रखना है वो पूरा 5 इंच रखना है। तो चलिए हम पहले पूरे में प्लेट्स डाल लेते हैं। ये देखिए, हमने ये प्लेट्स डाल ली है, और प्लेट्स डालने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है,
और ये देखिए घेरा बिल्कुल पूरा कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि ये बीच में से इस तरीके से है, हाफ में है, ये देखिए पूरा है। और जब हम इसको आयरन कर लेंगे, और हाँ फ्रेंड्स वेलवेट है, वेलवेट को हमेशा उल्टी साइड से आयरन करता है करते हैं, ऊपर से अगर हम इसको आयरन करेंगे तो इसके जो ये फैदर्स हैं जल जाएंगे। तो अभी हम इसके लिए यहाँ पर लगाने के लिए ब्लाउज़ तैयार करेंगे। तो चलिए ब्लाउज़ तैयार कर लेते हैं। ब्लाउज़ तैयार करने के लिए मैंने ये देखिए 5 इंच का एक स्क्वायर ले लिया है। तो अब हमें सबसे पहले इसमें चारों साइड जो हमने ये टिशू रिबन यहाँ पर लगाया है, चारों साइड ये टिशू रिबन लगा लेते हैं। ये देखिए हमने इसमें चारों साइड से लेस लगा ली है। अब हम इसको हाफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसमें यहाँ पर बिल्कुल हाफ में सीधा कट कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसमें आधे में कट कर लिया है और आधा हमें ऐसे ही रखना है क्योंकि ये हमारा बैक पोर्शन है। और ये देखिए ये बिल्कुल हमने आधे में कट किया है और अब हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से बिल्कुल हल्की सी गोलाई देंगे। हमें इसमें ज़्यादा कट नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें नेक को पूरा कवर करना है। ये देखिए मैंने बिल्कुल हल्की सी यहाँ पर कट लगाया है, ज़्यादा कट नहीं लगाया है। अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो ये हमने यहाँ पर ये टिश्यू रिबन यूज़ किया है वही रिबन हम इसी तरीके से यहाँ पर पूरे में लगा लेंगे। देखिए हमने इसमें सिलाई लगा लिया है और अभी इसका लुक यहाँ से इस तरीके से आएगा। लेकिन जब गोपाल जी को हम ये पहनाएंगे तो ये एक हाई नेक का काम करेगा। देखिए इस तरीके से ये उनके नेक से इस तरीके से यहाँ से पूरा कवर कर लेगा। तो चलिए अब हम इसमें बाजू बना लेते हैं। ये देखिए अब हम इसे वापस से इसी तरीके से उल्टी साइड से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए बाजू की चौड़ाई हम यहाँ पर सिर्फ 1 इंच रखेंगे और बाजू की लंबाई भी हम यहाँ पर 1 से 1.25 इंच के लगभग रख लेंगे, इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। ये देखिए और यहाँ से हम इसको इस तरीके से थोड़ा तिरछा करते हुए मार्क कर देंगे। ये देखिए और अब हम इसी तरीके से इधर की साइड भी मार्क कर देंगे 1 इंच और ये मैक्सिमम 1.25 इंच। ये देखिए अब हम इसको यहां से नापेंगे, ये यहां से लगभग 1.5 इंच है और 1.5 इंच इधर से है ये, और 3 इंच ये पीछे से रहेगा। तो टोटली ये हमारे पास 6 इंच हो गया है। तो हम मार्क से थोड़ा सा इधर करते हुए मार्क करेंगे क्योंकि हमने जो यहाँ पर ये घेर का जो चौड़ाई रखी है, ये कमर रखी है, ये 5 इंच है। तो हम टोटल यहाँ पर 5 इंच के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। ये देखिए हम थोड़ा सा घेर से इस मार्क से इधर की साइड मार्क कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं, नाप के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर ये इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और हाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई थी, इसमें नीचे की साइड ये वाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम दो साइड ही ऐड करेंगे तो भी काम चल जाएगा, बट अगर ऐड हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे इसके धागे सेफ रहेंगे, धागे नहीं निकलेंगे। क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं, इसमें नहीं निकलेंगे। तो चलिए अब ये हमने बना लिया है, हम इसको यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देते हैं। इसको हम थोड़ा सा छोड़ते हुए कट करेंगे। ये देखिए और यहाँ पर कॉर्नर पर एक हल्का सा इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि ये यहाँ से खींचे नहीं। अब इसी तरीके से हम इधर से भी कट कर लेंगे।
कॉर्नर से हम इस तरीके से कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, अगर आप अलग से ब्लाउज बना रहे हैं तो ये शर्ट बन के तैयार हो गई है। आप बस यहाँ पर वेलक्रो लगा लीजिए ताकि ये पहनाने और निकालने में आसान रहे, और यहाँ पर डोरी डाल के इसको घेर को तैयार कर सकते हैं। पर ये अब हमने सीधा कर लिया है और हमें इसमें ही अटैच करना है। हम इसको यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो चलिए यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये इसमें ब्लाउज़ अटैच कर ली है, ये देखिए। और इसका लुक बनने के बाद कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखिए। अब अगर आप चाहें तो इसमें और अच्छा सा पूरी फिनिशिंग देने के लिए आप यहाँ पर वेलक्रो ऐड कर सकते हैं, पर मैं वेलक्रो नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छे से हो गया है, बन गया है। तो ये देखिए, आप अगर इस पर ब्लाउज़ अटैच करना चाहें तो अटैच करना कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो भी ये अच्छा लगेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ड्रेस पसंद आया है लड्डू गोपाल जी का, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी की ये ठंडी की पोशाक, और अभी हम इसमें आयरन करके इसकी प्लेट्स अच्छे से सेट कर लेंगे तो और भी अच्छा इसका लुक आएगा। ये देखिए, ये रेड वेलवेट का ड्रेस बनके तैयार हो गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।